वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली का विक्रम विज। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपना एक यूट्यूब चैनल पे फिर से, और एक नए दिन की फिर से शुरुआत करता हूँ। और आज जो ये नए दिन की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा से। और आपने पिछली वीडियो में बाबा जी के दर्शन कर लिए होंगे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर के चैनल में है, वो जाकर के देख लें और बेल के ऑप्शन पे भी जाकर टिंग जरूर कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर के वो वीडियो देख लें, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो आज की जो वीडियो है वो है मेरी यहाँ से फतेहगढ़ साहब से पटियाला तक की। तो चलते हैं पटियाला, और यहाँ से जो पटियाला है वो है मेरे घर तक 32 किलोमीटर है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मैं पटियाला से फतेहगढ़ साहब आया था, और इस वाली वीडियो में मैं जो आपको दिखा रहा हूँ फतेहगढ़ साहब से पटियाला। तो चले चलते हैं। बोले सोनिया सत श्री अकाल। और अब हम लोग जो है जी निकल गए हैं तरनौर में, यहाँ से सीधा पटियाला। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से पटियाला जो है 32 किलोमीटर है। तो रास्ते में जो कोई खास आपको दिखाने वाला होएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, जो नहीं होगा तो सीधा मैं आपको अब सीधा घर जाके ही मिलूंगा। और बढ़ रहे हैं जी अब आगे, और दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख लें, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, और आप यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो अब जा रहे हैं सीधा पटियाला 32 किलोमीटर, और ये सारा का सारा जो एरिया है ये है फतेहगढ़ साहब। और इसके साथ ही जो यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर पड़ता है वो पड़ता है सरहंद। तो आप ये मान लीजिएगा हम लोग सरहंद से और फतेहगढ़ साहब से जा रहे हैं पटियाला। आइडिया हो जाएगा आपको कि बाई रोड कैसे जाया जाता है, और कैसे वहाँ से पटियाला से फतेहगढ़ साहब और सरहंद आया जाता है बाई रोड। तो हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं, मेरी घड़ी में हो रहे हैं 3:33। वाह 3:33, तो शाम के बज गए हैं 3:33, और यहाँ से हमें 40-45 मिनट लगेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे सीधा घर। My reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? जो फतेहगढ़ साहिब जगह है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और काफ़ी साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया है, और ये सेक्टर बने हुए हैं, और ये जगह का नाम है आम खास बाग। यहाँ से जो सरहंद सिटी है वो है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। पटियाला है 36, लुधियाना है 62, और दिल्ली है 251। जो दिल्ली से आ रहे हैं बाय रोड वो मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मैं कैसे दिल्ली से फतेहगढ़ साहब आया हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप देख लीजिएगा जा करके। और यहाँ से हम जो हो जाएंगे लेफ्ट, और लेफ्ट से सीधा निकल जाएंगे हम लोग पटियाला की तरफ। यहाँ से जो श्री अमृतसर साहिब है वो है 205, लुधियाना है 63, और दिल्ली है 249, पटियाला है 34। तो हम लोग अभी तो सीधे ही जाएंगे, अगर उल्टे आपको अगर मुड़ेंगे तो आ जाएगा चंडीगढ़, लेकिन हम लोग जाएंगे पटियाला की तरफ सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से चढ़ते हुए। अगर हम लोग यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ जाते हैं तो चंडीगढ़ आ जाता है यहाँ से, और चंडीगढ़ जो है यहाँ से 43 किलोमीटर है। ये आ गया है जी गेट दीवान टोडरमल, और ऊपर आप सामने देख सकते हैं वो है जी नेशनल हाईवे NH, दिल्ली अंबाला राजपुरा जाने के लिए। लेकिन हम लोग बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे क्योंकि हमें जाना पटियाला।
ये देखिए गेट, और लेफ्ट पे मैंने जैसे आपको बताया दिल्ली राजपुरा अम्बाला। ये राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ये है NH, आई थिंक NH 44 है, मुझे कंफर्म नहीं है, ये वही है जो आपको लेके जा रहा है जम्मू कश्मीर से सीधा दिल्ली, और बिल्कुल सीधा जो चला जाएगा वो चलेगा राजपुर अम्बाला। हम लोग जो फ्लाई ओवर से है राइट टर्न कर जाएंगे पटियाला की तरफ, और अगर आप बिल्कुल सीधा चले जाते हो तो आप आ जाते हो राजपुरा अम्बाला पानीपत और दिल्ली के लिए, और अगर उल्टी तरफ जाते हो इस तरफ तो आप आपका आ जाए लुधियाना जलंधर वही अमृतसर। तो हमें जाना है जी पटियाला। NH 44 ही है जो मैं आपको बता रहा था, वो NH 44 ही है। लेफ्ट से फिर आ जाएगा मोहाली और चंडीगढ़, और हम लोग मुड़ जाएंगे राइट, और राइट जाएंगे सीधा पटियाला की तरफ। अगर आप बिल्कुल सीधा चले जाओगे वो दिल्ली है जो मैं आपको बता चुका हूँ, राजपुरा दिल्ली अम्बाला। संगरूर है यहाँ से 86, पटियाला है 29, बठिंडा 202, नाभा 54, मलेरकोटला 84। ये आगे जो है हम लोग एक ब्रिज चढ़ने वाले हैं, और उस ब्रिज के नीचे से ये हम लोग जो ब्रिज चढ़ रहे हैं उस ब्रिज के नीचे से भाखड़ा जा रही है, और जो कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में भी दिखाई थी भाखड़ा। और देखो ये फूल जैसा मैंने बताया बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, पिछली वीडियो में भी बताया था। ये देखिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और आगे जो है ये जो है पुल है नीचे से जा रही है भाखड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको, जो कि भाखड़ा नंगल डैम से आ रही है। ये देखिएगा जी भाखड़ा आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो ये भाखड़ा है सीधा जा रही है पटियाला नाभा होते हुए सीधा समाना, उसके बाद टोहाना हरियाणा। आज फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, वाह ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। मौसम बढ़िया है, हवा चल रही है बहुत तेज, और आपको भी विंड ब्लास्ट आ रहा होगा क्योंकि हवा बहुत तेज है। यहाँ से सड़क जो है डबल हो जाती है, और पटियाला रहेगा 7 किलोमीटर, और बठिंडा जो है वह 180 किलोमीटर, मलेरकोटला 62 किलोमीटर। और अब हम लोग जो हैं पटियाला जो है पहुँचने वाले हैं, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कहाँ तक सिग्नल थी, यहाँ से डबल हुई है सड़क। और ये जो सड़क है इसको बोलते हैं हम लोग सरहंद पटियाला GT रोड, ये GT रोड है पुरानी। ये अब हम लोग जो है पटियाला के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और आगे बोर्ड भी लगा हुआ है पटियाला आन ते आप जी दा स्वागत है। तो ये आ गए हैं जी हम लोग पटियाला। ये जो आप सामने जो रेड लाइट देख रहे हैं ये है पटियाला बाईपास, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ जाते हैं तो आप निकल जाएंगे यहाँ से राजपुरा, अगर आप सीधा चले जाएंगे तो चले जाएंगे पटियाला सिटी, यहाँ से हो जाएंगे अगर आप लेफ्ट तो ये है जी राजपुरा, ये पटियाला बाईपास है, और सीधा मैंने आपको बता ही दिया है ये है जी पटियाला सिटी। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये है जग्गी स्वीट्स, और बहुत फेमस है जग्गी स्वीट्स पंजाब में, और ये सामने आप देख सकते हैं ये है क्लेरियन इन होटल है, और यहां से हो जाएंगे हम लोग अपने घर की तरफ लेफ्ट।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया, और बेल के ऑप्शन पर जाकर टिंग करें। लो जी आ गए हैं जी हम घर दर्शन करके। तो तरुण और मैं जो है ये पहुंच गए हैं पटियाला और घड़ी में हो रहे हैं 4:23। तो हम वहां से चले थे 3:33 पे। हमको पटियाला से फतेहगढ़ साहब और फतेहगढ़ से पटियाला तक आने में जो हमारे को किलोमीटर लगे वो टोटल चली हमारी 72 किलोमीटर हमारी, और एवरेज इसकी अच्छी है एंटॉक की हाईवे पे। एंटॉक की जो एवरेज जो है वो लोकल में बेकार है, लेकिन हाईवे पे ये अच्छी 50-55 की एवरेज दे देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको नीचे आंसर दे दूंगा उसको। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑप्शन पर जाकर के टिंग कर लें, ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। चलो अपना ख्याल रखें, तब तक राइट से ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।